नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा की ओर से सरकारी स्कूलों में पांचवी क्लास तक पढ़ने वाले बच्चों को जूते बांटने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अम्बाला शहर के कई प्राइमरी स्कूलों में जाकर बच्चों को जूते वितरित किए गए। इस कड़ी में सोंडा, कोला, जंडली सेंट्रल जेल के समीप बने सरकारी स्कूल के साथ साथ धूलकोट के सरकारी स्कूल में बच्चों को जूते वितरित किए गए। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी प्राइमरी सरकारी स्कूलों के बच्चों को जूते बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव होता है और यहां पर गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं। बच्चों की मदद करने के बाद सुख प्राप्त होता है। इस अवसर पर पार्षद सरदुल सिंह, सरपंच बालापुर शिव कुमार, सरपंच पति रोशनपुर श्रीचंद, मेजर सिंह सोंडा, बलबीर सिंह सोंडा, टेकचंद, नवजोत शर्मा, बलविंदर सिंह पिंदा, संजीव शर्मा, नरेंद्र सिंह, सिद्धार्थ गुलाटी, वेद प्रकाश कौशिक, रविंदर सोंडा, डिंपल मलिक, जगतार सिंह, हरदयाल सिंह, विनीत भाई, मंथन शर्मा, वरदान शर्मा, विनय बख्शी, मदन लाल वर्मा, राजन पावा, पंकज शर्मा, अंकित कुमार, प्रिंस शर्मा, कमलदीप, हर्षित शर्मा समेत कई समर्थक मौजूद रहे। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। बहुत आनंद आ रहा है और आज खास करके धूलकोट स्कूल में आके जो बच्चों के साथ समय बिताया है वो मुझे शायद हमेशा याद रहेगा। बहुत ही बढ़िया टाइम, बच्चों ने डांस भी किया, गाने भी गाए, पोएम भी सुनाई और कई बच्चों ने अपना बहुत बड़ा दिल भी दिखाया मुझे। तो जरूरी नहीं है कि बड़े लोग शेयरिंग और केयरिंग कर सकते हैं। एक बहुत छोटी सी बच्ची है, उसने भी ये उदाहरण बहुत अच्छी तरह से दिया कि बच्चों के अंदर भी वही भाव है। We like to share and care. And I think we all should follow this. Sharing is caring. हाँ बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि मैं एक बार जो एक मैंने हाथ में उठाया हुआ काम खत्म करने के बाद स्कूल में बच्चों के लिए कैंप जरूर लगाऊंगी, मेडिकल कैंप। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।